असम के अंदर आज राहुल गांधी की बस पर बीजेपी के कार्यकर्ता टूट पड़े। राहुल गांधी बस से उतरते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आज जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उनकी गाड़ी के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने हमला कर दिया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, कांग्रेस ने इसको लेकर के FIR करा दी है। मेरे साथ में दो खास शख्स हैं, महिमा सिंह जी हैं जो कि जयराम रमेश जी की गाड़ी में मौजूद थी, एक्चुअली गाड़ी इन्हीं की थी और जयराम रमेश जी इन्हीं की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे जिस वक्त में हमला हुआ। और दूसरी तरफ मेरे साथ में है दादुल जी जो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, और इन्होंने अभी अभी FIR कराई है। वो FIR की कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक इनका कार्यकर्ता अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। तो अब ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी की यात्रा पर जिस तरह से हमला किया गया, अब ये मामला क्या वाकई तुल पकड़ेगा और इससे क्या बीजेपी ने एक तरह से ये कहें कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हमले के बाद में डर करके घबरा करके यात्रा के अंदर निकलना बंद कर देंगे, ये समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले चश्मदीद हैं, गवाह हैं महिमा सिंह जी, जयराम रमेश जी इनकी गाड़ी में मौजूद थे, तो सबसे पहले इनसे जानते हैं और उसके बाद में FIR में क्या कुछ इनकी तरफ से कहा गया है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। तो महिमा सिंह जी, आप उस वक्त में गाड़ी में मौजूद थी, जयराम जी आप ही की गाड़ी में मौजूद थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या आपकी तरफ से कुछ जो है स्लोगन लगाए गए? हम लोग तो आराम से अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यात्रा का, दोपहर के लंच ब्रेक के बाद उधर जा रहे थे, क्योंकि आज आपको मालूम है एक बड़ी रैली थी खड़गे जी की, तो सबको वहाँ से बस में इकट्ठा होकर के आगे जाना था, वहाँ तक गाड़ी में हम लोग जा रहे थे और जयराम रमेश जी सबसे आगे बैठे हुए थे आगे की सीट पर, पीछे मैं और कुछ और साथी कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से एक पॉइंट आया जहाँ पर बहुत एक जोश से भरी हुई और हिंसक एक भीड़ सामने थी, जो कि जिनके पास भाजपा के झंडे थे और जो है भगवा झंडे थे, और वो जय श्री राम के और मोदी के नारे लगा करके एकदम से गाड़ी के शीशों के पास आ गए। अब जयराम रमेश जी बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने आराम से शीशा नीचे किया और उनकी तरफ हाथ हिलाने लगे, क्योंकि हम तो मोहब्बत का पैगाम लेकर के भारत की सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन ऐसा देख करके उस भीड़ ने गाड़ी पर से स्टिकर्स उतारने शुरू कर दिए और बहुत ज़ोर से गाड़ी के शीशों को थपथपाना शुरू कर दिया और एकदम से ठोक के पीछे के वाइपर के अंदर झंडा लगा दिया जो है अपना भाजपा का, और उसी तरह से नारे लगाते रहे। लेकिन हम आराम से वहाँ से निकल गए, पानी भी फेंका उन्होंने शीशे के ऊपर, जब हमने शीशा नीचे कर लिया जयराम रमेश जी ने, हम लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन जैसे ही उनको बस में मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ रिपोर्टर्स का फ़ोन आया, क्योंकि मैं यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेशन की ड्यूटी पर हूँ, मेरे पास कुछ रिपोर्टर्स का फ़ोन आया कि रिपोर्टर्स के ऊपर हमला हो गया और रिपोर्टर्स का कैमरा छीन लिया गया है। तो मैं तुरंत वहाँ से पुलिस को साथ लेकर के, वहाँ DCC प्रेसिडेंट मौजूद थे दादुल जी, उनको भी मैंने बोला और वहाँ से हमने पुलिस की, वहाँ एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मौजूद थी, उनको साथ लिया और वापस मौके पर गए। वहाँ वापस मौके पर पहुँच कर देखा कि वो रिपोर्टर्स काफ़ी परेशान हैं और तनाव में हैं, क्योंकि उनका कैमरा छीन लिया गया था, उन लोगों ने पूरे वारदात को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन ये भाजपा के कार्यकर्ता इतने उत्तेजित और इतने मैं समझती हूँ कि डर से भरे हुए थे कि तुरंत आके हमें बोलने लग गए कि आप यहाँ मत खड़े होइए। तो हमने कहा कि रास्ता तो जो है हमारी यहाँ से यात्रा जाने वाली है और रास्ता तो सार्वजनिक है, यहाँ क्यों ना खड़े हों हम। तो वो जो है बिल्कुल हटे नहीं वहाँ से, और पुलिस भी हम लोगों को कहने लगी कि आप लोग इधर उधर हो जाइए, जबकि यात्रा के लिए वहाँ से अनुमति दी गई थी। पुलिस ने आपको कहा कि आप हट जाइए? पुलिस ने हमको कहा कि आप, उनको नहीं हटाया, उनको तो बिल्कुल नहीं हटाया, बल्कि ये कहा कि इनकी तो मीटिंग चल रही है, इनकी तो मीटिंग पहले से चल रही है। अच्छा, मीटिंग अंदर ज़रा सड़क से हट के शामियाने के अंदर चल रही थी, पर सड़क के ऊपर किसी तरह का प्रदर्शन करने का उनके पास कोई अनुमति हो ऐसा मैं नहीं समझती, क्योंकि जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कोई अनुमति की बात नहीं की, बस वो यही बोलते रहे कि आप तो अच्छे लोग लगते हैं, आप लोग यहाँ पर दखल मत दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए।
और पुलिस के बड़े अधिकारी थे या एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं आपको बता रही हूँ कि एएसपी थी, उनको हम साथ लेकर गए वहाँ पर, लेकिन नतीजा ये हुआ कि हम ही लोगों को तितर बितर होना पड़ा और उन्होंने कहा कि रिपोर्टर का कैमरा भी हम बाद में दिलवा देंगे। और इस तरह से वहाँ पर ये पूरी वारदात हुई। ये बहुत ही दुखद था। और उसके कुछ ही देर के बाद जब यात्रा वहाँ से आ रही थी तो भूपेन जी के ऊपर भी हमला हुआ। आप जानते हैं भूपेन बोरा जी जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब वो हमला होने लगा तब राहुल गांधी जी बस से निकले, क्योंकि वो तो बोलते ही हैं कि डरो मत, अभय मुद्रा की वो बात करते हैं, और मोहब्बत का पैगाम लेकर वो नीचे उतरने लगे। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं के पास जाने लगे तो भाजपा कार्यकर्ता उनको देख करके क्या उनके भाव हुए, पर वो वहाँ से एकदम से भाग खड़े हुए और वहाँ नहीं दिखाई दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा तो इसको किसी और तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि राहुल जी जो है आवेश में वहाँ से उतरे। बिल्कुल भी नहीं, राहुल जी बड़े आराम से, क्योंकि भूपेन बोरा जी को चोटिल किया जा रहा है। अमित मालवीय का ट्वीट आया, अमित मालवीय ने ट्वीट करके अभी ये कहा है कि राहुल गांधी बौखला गए जब मोदी मोदी के स्लोगन और जय श्रीराम के स्लोगन वहाँ पर लोगों ने कार्यकर्ताओं ने लगाए, तो मोदी राहुल गांधी बौखला गए और वो बौखलाहट में गुस्से में अपना आपा खो बैठे और इसलिए कूद गए वो बाहर। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, ऐसे नफरत से भरे हुए बौखलाए हुए लोगों को सभी बौखलाए हुए और नफरत से भरे ही नजर आते हैं शायद। तो इसलिए उनको एक व्यक्ति जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मोहब्बत भरी यात्रा करके आया और अब अपनी मोहब्बत की दुकान को लेकर के नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से मुंबई तक चला है, खुद तो मणिपुर आने की हिम्मत हुई नहीं, मिजोरम का दौरा भी कैंसिल कर दिया था मणिपुर की वजह से पिछले चुनाव के अंदर, आप जानते हैं। तो इसलिए अमित मालवीय को जो ये लग रहा है कि राहुल गांधी बौखला करके उतरे, यदि वो पूरा वीडियो देखेंगे और पूरी वारदात को देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा बौखलाया हुआ कौन था और भीड़ को शांत करने के इरादे से कौन नीचे उतर रहा था। FIR आपकी तरफ से कराई गई है, क्या कुछ आपने जो है शिकायत दी है इसको लेकर? देखिए, आज जो राहुल गांधी जी का जो रोड शो आ रहा है जामुगढ़ी में, वहाँ जो बीजेपी लोग है ना, बीजेपी यूथ जो लोग है, वो लोग पूरा राहुल गांधी के गाड़ी को पूरा घेर के लिया है। उसका बाद हम भूपेन बोरा जी साथ में था, मैं भी साथ में था, पूरा घेर करके उन लोग को स्लोगन दिया है, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ऐसे नारा लगाया। उसका बाद हमारा भूपेन बोरा जी उनको समझाया जो हमको जाने दीजिए, उसका बाद भूपेन बोरा जी को उनने हमला किया है, हम खुद देखा है। और भूपेन बोरा को बसाने के लिए एक लड़का भी गया, उनको भी उनको पिटाया है। अभी देखिए, सब बीजेपी लोगों ने दो तीन दिन बाद हमारा वो वहाँ पे कांग्रेस कर्मी जितना है सबको साथ हमला किया है, अभी दारागिर किया है बीजेपी कर्मी। राहुल जी इतना अच्छा से, इतना प्यार से सबका पब्लिक का साथ आया था, पब्लिक पूरा आ गया राहुल जी को वेलकम करने के लिए, वो लोग इसलिए दौड़ गया, दौड़ के बाद बीजेपी लोग के दौड़ने के लिए इसलिए हमारा कांग्रेस कर्मी के साथ हमला किया है। आपने कुछ वीडियो मेरे को भी शेयर किए हैं, तो क्या ये सबूत के तौर पे आपने पुलिस को भी दिया है? दिया है, हम पूरा सबूत, हमारा साथ है, हमारा पास है, हम पुलिस जब मांगेगा हम सब सबूत दे देगा। हाँ, वो अभी हमारा एक तो लड़का को पिटाया है, वो अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जाने से देख लेगा वो। क्या हालत है उनकी? उनका तो पूरा सीटी स्कैन भी किया है, अभी एडमिट किया है अभी, और दो तीन दिन वो एडमिट होना पड़ेगा। तो धक्का मुक्की हुई उनके साथ या मार? ना, वो तो लाठी से मारा है। लाठी से मारा है उनका, सब लोग का साथ लाठी भी है। तो आपके पास लाठी वाली वीडियो भी है? है, उनका बात तो लाठी भी है, वो पीछे से मारा है जो लड़का को, लाठी डंडों से पीटा गया है। आपको लड़का को आप इंटरव्यू लेने से आपको मालूम पड़ जाएगा, उनका पास जाने से आपको मालूम पड़ जाएगा, और यहाँ कहाँ कहाँ पिटाया है, माथा में पिटाया है, इसे पिटाया है, भोड़े में पिटाया है, पेट में पिटाया है, पीठी से पिटाया है, सब शख्स में पिटा है उन लोगों ने। अभी देखिए, आसाम का आज हमारा, हम आसाम का आदमी है, हमारा आज इज्जत पूरा टूट गया। हम CM को ऐसे बोला था जो आसाम का इज्जत आज इंडिया में हमारा बहुत नीचे चल गया, और जो हमारा राहुल जी आया थे वो पब्लिक लोग राहुल जी को वेलकम करने के सब लोग आए हैं। आप देखिए, आज हज़ार हज़ार लोग राहुल गांधी को वेलकम किया है, इसीलिए बीजेपी दौड़ करके इसे हमला किया है, पूरा दादागिरी कर रहा है बीजेपी लोग। तो आपको क्या आश्वासन मिला है, FIR अपने की है? FIR हम लोग दिया है, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? एडमिशन तो उनका साथ ही है। आज मोहिमा जी, वो हमारा जो स्पोक्स पर्सन है, पहले उनको रिक्वेस्ट किया है जे सिचुएशन थोड़ा आप लोग देख लीजिए, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, एडमिशन उनका साथ ही है, पुलिस कॉर्पोरेट नहीं किया है, इसलिए पुलिस कॉर्पोरेट करने से तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए ना।
अभी हम लोग बार बार बोला है, वो लोग ऐसे झगड़ा करने के लिए रेडी हो गया है। हम लोग बार बार बोला है हमको थोड़ा आप देख लीजिए, हमको ये लोग हमला करेगा, आप सिचुएशन संभाल लीजिए, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए सब बीजेपी लोग डर गया और राहुल का जो जाता है वो उन लोग का सोचा था ऐसे हमला देने से राहुल गांधी जाता को रोक जाएगा, लेकिन असम का जो लोग है राहुल गांधी का साथ है, वो हर असम में उनका जाता होगा। हम असम से उनको पार करके दूसरा स्टेट में जाना देगा। हम असम का उनका साथ है। और देखिए अभी और आज जो हमला का बात आप लोग देख लीजिए, हज़ार हज़ार लोगों ने रास्ता में आ गया राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी का साथ असम का लोग है, या सीएम हो, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीजेपी लोग हो, रुक नहीं सकता है यहाँ। लेकिन महिमा जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी उतर करके गए हैं बस से, तो खतरनाक भी हो सकता था ये? निश्चित तौर पर हो सकता था, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो अपनी जान के खतरे से या अपने निजी खतरे से डर करके मणिपुर जाने से हताहत हों या पीछे हट जाएं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी मणिपुर भी सबसे पहले गए और दो बार गए, और अभी यात्रा के दौरान पूरा मणिपुर घूम कर आए। और इसी तरह से वो उनका एक ही कहना है कि आप शिव की अभय मुद्रा से प्रेरणा लें, डरे मत, किसी बात को सहे मत, डरो मत, सहो मत, यही इस यात्रा का संदेश है। और उस संदेश को जो है साक्षात करके दिखाया राहुल गांधी ने, यथार्थ रूप में दिखा दिया। जब उनके ऊपर नफरत से भाषण नारेबाजी हुई तो वो उतर के बस से नीचे जाने लगे और नीचे चले गए लोगों के बीच। लेकिन बीजेपी कहेगी कि उकसाने का काम कर रहे थे राहुल गांधी, शायद हो सकता है कि अब ये काउंटर आए। अगर आप उस वीडियो को गौर से देख लें, जो कि पूरा मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, और फ्लाइंग किस भी काफी दिवस है, तो आप ये देखिएगा कि वो उस वीडियो के अंदर बाहर से पहले से कितनी उत्तेजना है, कितना आक्रोश है, कितनी हिंसा भरी, जो हिंसा भरा स्वर सुनाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी जी आराम से अपनी खिड़की के पास बैठे हैं और वो एक क्षण लेते हैं सोचने के लिए और देखते हैं कि ये नहीं संभल रही है भीड़, तो उतर के उनके बीच में चले जाते हैं। क्योंकि आखिरकार ये लोग कौन हैं? ये हमारे भारतीय भाई बहन ही तो हैं, ये हमारे देश के नागरिक ही तो हैं। यदि ये किसी गलत दिशा में सोच रहे हैं या चल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे बातचीत करें। संवाद हर चीज़ का हल निकालता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पर पहले भी कई बार ये आरोप लगाए गए कि वो सीआरपीएफ का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ करके चले जाते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी इसको काउंटर करने के लिए इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकती है कि जब वहाँ पर सिचुएशन ख़राब थी या सामने से नारेबाजी हो रही थी तो राहुल गांधी को उतर करके नहीं जाना चाहिए था, इस तरह से भी बीजेपी हो सकता है इसका काउंटर करे? और पहले भी एक चिट्ठी जो है वो बाकायदा सामने आई थी, सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया कि 11 बार 12 बार राहुल गांधी जो है वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके चले गए, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, हम तो समझते हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन उस रास्ते के ऊपर इस तरह का रोड शो करना है जिस रास्ते पर जाने की अनुमति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पहले से मिली हुई है। हफ्तों पहले से ये सारी योजनाएं तैयार होती हैं और इनकी अनुमतियां दी जाती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि गुवाहाटी के अंदर से जाने की अनुमति नहीं देंगे। इस रास्ते की तो हमें अनुमति मिली हुई थी ना, बावजूद उसके अगर भाजपा के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर के वहाँ पर जो है इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं, तो ये तो हमें लगता है कि प्रोटोकॉल का ब्रीच तो सबसे पहले वहां से शुरू हुआ। और राहुल गांधी जी ने जाकर के, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, उनके ऊपर निजी तौर पर हमला हो रहा है, और किसी भी घर का कोई मुखिया हो, किसी पार्टी का, संगठन का कोई मुखिया हो, जिम्मेदार मुखिया वही है जो आगे जाकर के जिम्मेदारी ले और अपने वर्कर्स का, अपने सहयोगियों का संरक्षण करे, सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित हों। वही काम राहुल गांधी जी ने आज किया। घर के बड़े, घर के मुखिया यही काम करते हैं। और हम सबके लिए, इस पूरे देश के लिए, जिस तरह से एक जननायक के रूप में राहुल गांधी जी उभर कर आ रहे हैं, हमें लगता है यही जो उनका हौसला है, यही डरो मत की जो भावना है, यही भावना उनको एक जननायक के रूप में देश भर में उभार कर लाएगी। आप अभी थोड़ी देर पहले हमसे बता रही थी कि आपके जो ड्राइवर थे वो भी जो है वो एकदम घबरा गए, तो क्या सच में इस तरह का माहौल था? आपको लगा कि कुछ भी हो सकता है, या आपको लगा कि अब जो है वो हमला कर दिया जाएगा, गाड़ियां जैसे तोड़ने की बात होती है, तो उस तरह से सबको माहौल लग रहा था गाड़ी के अंदर? बिल्कुल, हमने विद इन
हाफ एन आवर हमने इत्तला कर दी थी और हम लोग इस प्रकार से चौकन्ने हो गए थे कि यहाँ ये लोग जिस तरह से ये भड़का रहे हैं हिंसा को, हमें नहीं पता ये क्या तैयारी करके बैठे हैं। और चौंकाने वाली बात ये थी, उस मीटिंग में अंदर उनके एक वरिष्ठ सांसद भी थे भाजपा के, भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी थी, जो बाहर दूर से देखकर मैं हैरान हो रही थी कि क्या इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी संवेदनशीलता बाकी नहीं है, क्या क्या अंदर बैठे हुए वरिष्ठ लोगों को इन युवाओं की हरकतों को देखकर बिल्कुल निराशा हताशा नहीं हो रही या चिंता नहीं हो रही कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है, किस ओर हम अपने समाज को ले जा रहे हैं। तो हमारे ड्राइवर हों या हम लोग हों, जयराम रमेश जी बिल्कुल अपनी जगह डटे रहे, बने रहे, बहुत उनको विनम्रता से हाथ हिलाते रहे, लेकिन हम सब एकदम चिंतित हुए क्योंकि वरिष्ठ सांसद हमारे साथ मौजूद थे और हमारे ड्राइवर उतर के भाग के थोड़ा आगे जा कर के गए और वो झंडा भाजपा का जो उन लोगों ने ज़बरदस्ती लगा दिया था और भारत जोड़ो के स्टिकर्स उतार दिए थे, उसने जा कर के उनको ठीक किया। और ये स्वाभाविक है कि ऐसे में जब आपको कोई डराता है, धमकाता है और आपको ये कहने लगते हैं कि मोदी या जय श्री राम ही बोलो, ये भारत जोड़ो मीडिया का जो उन्होंने पास छीना, उसको ये बोल के छीना, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पास क्यों पहनाया आपने, मीडिया का अपना अलग कार्ड पहनो, जबकि वो यात्रा के अंदर चलने के लिए उस पास को पहनना। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कल की जो यात्रा निकाल रहे हैं वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, उन्होंने ट्वीट किया, और उनकी जो यात्रा कल जो निकल रही है, जिन रास्तों से निकल रही है, वो काफ़ी जो है वो सेंसिटिव इलाका है, और ऐसे में कल ही उनको क्यों जाना है। ओ तो हो सकता है कि ये शायद यही योजना हो भाजपा की, ये जो आज की हिंसा है हो सकता है इसीलिए प्लांट की गई हो ताकि शाम होते होते इस तरह का नैरेटिव देश को दिया जा सके कि राहुल गांधी जी हमने तो आपको बिल्कुल घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा दिया, एक एक बात बता। कल भी यात्रा होगी? यात्रा तो किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ना हम सहेंगे ना हम डरेंगे। जैसा कि राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और जिस निश्चय पर हम निकले हैं, हमने दृढ़ निश्चय किया है, जो संकल्प किया है ये न्याय यात्रा करने का, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा तो चलती रहेगी। चलिए, तो अब आज का जो दिन था वो पूरा हंगामेदार रहा, लेकिन अब सवाल ये है कि कल क्या होगा। कल एक तरफ बीजेपी 22 जनवरी के दिन को राम मंदिर उद्घाटन के रूप में एक बड़े आलीशान तरीके से उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए जो है वो पूरा तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात को लेकर के अड़ी दिखाई दे रही है कि हम यात्रा जरूर निकालेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो अभी घटनाक्रम हो रहा है उससे क्या बीजेपी को फायदा है, नुकसान है, या फिर जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा, तो सवाल ये है। और अब कल क्या होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।